फंडामेंटलिज्म असल जो चला है वो हिंदुस्तान में चला है, बदनाम पूरी दुनिया में मुसलमान हो गया। लेकिन अब इसका मैं ब्लेम ना अमरीका को दे सकता हूं ना किसी और को, ये तो एबाद सबा ही हम आबुर्द है दोस्त, हमारा अपना किया धरा है। मैं आपको एक हवाले से बता देना चाहता हूं, हमारे यहां अल्लामा मशरकी उठे चप रास चप और बेल चाप पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया, दहल गई जमीन हिंदुस्तान की राजकुमारी से लेकर दरा खैबर तक। और बड़े बड़े नोटेबल्स, ये तहरीक इतनी अजीम थी, इतनी ऑर्गेनाइज थी। आपको मालूम है ये तालपुर बरादरान जो है दोनों भाई जो थे ये खाकसार थे, बड़े बड़े लोग सिंध में, फ्रंटियर में, पंजाब में, हर जगह पर। और ऐसी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल मिलिट्री वाली, उनके सारे कवायद मिलिट्री के। लेकिन हुआ क्या, आरएसएस 1925 में कायम हुई है उसी के रद्दे अमल में। हिंदू सोया हुआ था, उन्हें देखा ये मुसला उठ गया है और इतना जबरदस्त उठ गया है, जोर शोर के साथ उठ गया है, इसकी चपरास जो है वो जमीन जो है लरस रही है, उससे तो उठना पड़ेगा ना। लिहाजा बाकायदा जो आरएसएस 1925 में कायम हुई है उसी के रद्दे अमल में और इस मकसद के साथ, डिक्लेयर्ड मकसद, हिंदुओं को मुत्तहिद किया जाए ताकि वो भरपूर तरीके से मुसलमानों का मुकाबला कर सके। हिंदूवाद ऑन द डिफेंसिव। लेकिन 1925 से लेकर आज तक कितने साल हो गए, 67 बरस तक एक जमात का हौसला देखिए, उसका जर्फ देखिए, आज तक सियासत में हिस्सा नहीं, पावर पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक। 67 लॉन्ग ईयर्स, इतनी फॉलोइंग है कि वेस्ट में तो इतनी मोटी मोटी किताबें छपी, शिकागो यूनिवर्सिटी से इतनी मोटी किताब थी ब्रदरहुड इन सैफरन आरएसएस के ऊपर डॉक्यूमेंट। 25 लाख उनका इस वक्त कार्डर मौजूद है जो कि उनका ट्रेंड है वॉलेंटियर। लेकिन वो जमात इलेक्शन में नहीं आई, कुछ अपने असर तहत कुछ और लोगों को लड़ो, और आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उसके तीन अमीर या गुरु जो हैं गुजर चुके हैं, तीसरा है इस वक्त, पहला डॉक्टर बालीराम हेजवाड़, किसी ने नाम सुना आज तक, कोई पर्सनल पब्लिसिटी की कोशिश की उसने, काम किया। दूसरा महादेव गोलवालकर गुरुजी, किसी ने नाम भी नहीं सुना हो। इस वक्त कौन है, बाला साहब देवरस। ये तीन इनकी इमारतें कह लें या जो भी कह लें, खिलाफतें हैं जो आई हैं, और ऐसा मुनज्जम निजाम है लेकिन कहीं सियासत में सर। हमारा फंडामेंटली सियासत के मैदान में आके जीरो हो चुका। पहले तो अल्लामा मशरकी उठे थे, वो तो वैसे ही एक जोश के अंदर आकर एक खास जज्बात की कैफियत में अपनी मूवमेंट ही को काल ऑफ करके बैठ गए। 10 लाख आदमी खालिबन 10 लाख की फिगर थी, 10 लाख या 1 लाख जितने भी थे, मैं फिगर के बारे में नहीं कह सकता, दिल्ली में जमा नहीं होंगे तो मैं पार्टी को डिसबैंड कर दूं। वो चंद अफराद की कमी रह गई थी उस फिगर से, तो उसी गुस्से में आकर पार्टी डिस्बैंड खत्म। अब वो खाकसार हमारे यहां तो रह गए, कभी किसी खास सेरेमनी के मौके पर कुछ सलामी देने के लिए चपरास करते आ जाते हैं बेचारे, वो उनके तो कुछ नामो निशान बस इस्मानी में है कहीं, अल्लाह अल्लाह खैर। असल फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी उभरी, लेकिन इसने पाकिस्तान में आती पावर पॉलिटिक्स के उसके अंदर अपने आप को दफन करके जीरो कर दिया। वहां यह मामला चल रहा है, यह है असल में जो फर्क आपको समझना है। ये 1925, ये जो दूसरी जमातें हैं, वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद, ये उसकी एक जैली तंजीम है, जैसे जमात इस्लामी की जैली तंजीमें हैं उसी तरह की जैली तंजीमें। आरएसएस खुद कभी नहीं आई पॉलिटिक्स, और दो मर्तबा तारीख में इसको बैन किया जा चुका है हिंदुस्तान में, क्योंकि आरएसएस का आदमी था जिसने गांधी को असैसिनेट किया था 1948 में, द पार्टी वॉज बैन। उसके बाद जब इंदिरा गांधी का दौर आया है वो इमरजेंसी का, उसमें भी पार्टी उसने बैन की थी, आरएसएस भी बैन हुई है, लेकिन हर मर्तबा पहले से ज्यादा उभर कर आई। और आज ये सब के सब वीएचपी वाले, बीजेपी वाले, ये सब दर हकीकत आरएसएस के आगे, और ये उनका डिक्लेयर्ड एम अब बन चुका है, और हालात जो है हम उस सजा के बिल्कुल मुस्तहिक हो चुके। इसिया से कभी हमने किनारा ना किया, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। ये तो हो सकता है अब भी हम इसी पर, इसी अल्लाह की रहमत पर तो उधार खा सकते हैं, लेकिन वाकया ये है कि हम उस सजा के बिल्कुल मुजरिम हो चुके हैं और मुस्तहिक बन चुके हैं। और नजर ये आ रहा है कि अब हालात हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा पेचीदा से पेचीदा, मुश्किल से मुश्किल,
और ज्यादा से ज्यादा जो है गंभीर होते चले जा रहे हैं।